हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th में काव्य 8 चरणों में काव्य के कवि हैं योसेफ मैकवान। पार्ट 1 में हमने काव्य समझ लिया था कि कवि हमें इस धरती पर जो सुंदर दृश्य है और उसका अनुभव कैसे करना चाहिए वो समझाना चाहते हैं। इस धरती पर नदी, पहाड़ बहुत सुंदर है और जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो उनके मन में विचार आता है, उनके पैर एक चलने के उत्साह बताते हैं और वही वो हमको समझाना चाहते हैं कि उसी तरह हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम पार्ट 2 में काव्य की शब्द समझूती समझेंगे। शब्दार्थ उगमणि, सूरज उगवानी दिशा में, पूर्व दिशा में, आप आकाश नभ चरणों में, पग में, उमंग उत्साह आनंद, वगड़ाना जंगल के वीरान प्रदेश ना, चौपासे चारे बाजुए उगड़े मैदान, अही मैदान नजरे पड़े देखावा लागे, कल्पना ने दौर कल्पना रुचि दोरी ने आधारे कल्पना नी मदद थी, कल्पना करना इमेजिंग करना, संग साथे लीलेरा हरियाणा लीला लीला, वायु पवन चकचूर कैफ ने लीधे मस्त, अही धरती नी सोडम थी वायु मस्ती भरिया छे, झाकड़ ओस सवारे घास तेमज पांदड़ा पर पड़ेला पानीना बिंदु, झीणेरा साव बारीक तद्दन झीणा, सूर आवाज छलंग कूदको टेकड़ो, स्वाध्याय। प्रश्न 1, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर एक एक वाक्य में लखो। फर्स्ट, उगमणे आभ में शू देखाय छे? उगमणे आभ में जुदा जुदा रंगों रेलाता देखाय छे। सेकेंड, चरणों में चालवानो उमंग सा माठे उछड़े छे? आंसर, कुदरतनी सुंदरता अने वातावरणनी ताजगी ने लीधे चरणों में चालवानू उमंग उछड़े छे। थर्ड, पंखीनी पांख में अने नानकड़ी चाँच में साना गान लहरे छे? आंसर 3, पंखीनी पांख में अने नानकड़ी चाँच में वगड़ाना अने झरणाना गान लहरे छे। 4, मन क्या आडोड़े छे? आंसर 4, दूर अने पासे पथरायेला लीला घास परना झाकड़ में मन आडोड़े छे। 5, आ काव्य में कवि कया समयनो वर्णन करे छे? आंसर, आ काव्य में कवि सवारनो वर्णन करे छे। क्वेश्चन 2, नीचेना शब्दोना उपयोग करी एक एक वाक्य लखो। फर्स्ट, उमंग वर्ग में छोकरा उमंग थी भणे छे। सेकेंड, चौपास मारी चौपास फूलोना छोड़ हता। थर्ड, चकचूर पैसाना नशा में ते चकचूर थई गयो छे। 4, सूर
સંગીતના સુર સાથે મંદિરમાં ભજન ગવાય છે. 5. છલંગ. મોહને પાણીમાં છલંગ મારી. ક્વેશ્ચન 3. સમાનાર્થી શબ્દ લખો. પૂર્વ, ઉગમણું, ઢેકડો, કૂદકો, વાયુ, પવન, ગગન, આકાશ, પહાડ, ડુંગર, પંખી, વિહંગ. ક્વેશ્ચન 4. વિરોધી શબ્દ લખો. ફર્સ્ટ, ઉગમણું, આથમણું. સેકન્ડ, નાનું, મોટું. થર્ડ, ઉત્સાહ, નિરુત્સાહ. 4. પ્રકાશ, અંધકાર. 5. આકાશ, પાતાળ. 6. દૂર, નજીક. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.